आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। कृष्णा सोनी ब्यूरो चीफ एवं अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। डॉक्टर शाकिर खरबे राष्ट्रीय स्तर के घुड़सवार हैं, जिन्हें घुड़सवारी के दौरान चोट लग गई थी। घोड़े से गिरने के दौरान संतुलन हासिल करने की कोशिश में उनके कंधे की हड्डी कॉलबोन टूट गई थी। डॉक्टर खरबे की गहन जाँच और परीक्षण के बाद डॉक्टर कुकरेजा ने उन्हें सलाह दी की उनके कंधे पर फिर से सर्जरी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। डॉक्टर खरबे के कंधे पर आर्थोस्कोपी की मदद से यह सर्जरी की गई। हैमस्ट्रिंग टेंडन का उपयोग करके एक कंधे की टूटी हड्डी को फिर से जोड़ने के लिए ये सर्जरी की गई थी। वॉकहॉट अस्पताल मुंबई सेंट्रल ने हाल ही में कल्याण में एक ओपीडी की शुरुआत की है। इस ओपीडी में वॉकहॉट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के जाने माने डॉक्टर अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। इसमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं, डॉक्टर मोहित कुकरेजा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन आर्थोस्कोपी, शोल्डर एल्बो घुटने के सर्जन डॉक्टर प्रशांत मखीजा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मजा तरेल, कंसल्टेंट स्पाइन एंड ब्रेन सर्जन डॉक्टर गुलशन एच रोहरा, कंसल्टेंट कार्डियक थोरेसिक सर्जन डॉक्टर सुप्रीत बाजवा सलाहकार, आर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर नीलेश चोरदिया कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर जयेश गोरी सलाहकार सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यह स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस ओ पी डी में शामिल होंगे। गुड आफ्टरनून ऑल, मेरा नाम डॉक्टर शाकिर खरबे है। मैं एमडी फैमिली फिजिशियन भिवंडी, अराउंड 22 इयर्स से मैं भिवंडी में एज अ फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम माय प्रैक्टिस एज अ फैमिली फिजिशियन, मैं एक एनिमल लवर भी हूँ, स्पेशली हॉर्स लवर। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म है खुद का, जहाँ पे मेरे हॉर्सेज है और मैं जुड़े राइड भी करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं एक इवेंट में गया था लोनावला मेरे फैमिली के साथ में, वहाँ पे एक हॉर्स पे राइड करते वक्त वो हॉर्स ट्रिप होके गिर गया और मैं साथ में गिरने की वजह से जो है मेरे राइट शोल्डर के अंदर इंजुरी हो गई। सर एक्चुअली क्या हुआ था, जो आप पहले से हॉर्स राइडिंग करते हैं लेकिन एक्चुअली वहाँ पर किस वजह से आप वहाँ पर गिरे थे? हॉर्स ट्रिप हो गया था, हॉर्स गिर गया नीचे ट्रिप होके, हॉर्स गिरा तो मैं हॉर्स के साथ। हॉर्स राइडर है तो ये खुद का एक प्लेटफॉर्म है, ये हॉर्सेस ओन करते हैं और रेगुलरली हॉर्सेस चलाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हॉर्स राइडिंग करते करते ये हॉर्स से गिर गए और जब हम हॉर्स से गिरते आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे तो हमारा सारा जो फोर्स होता है वो कंधे पे आता है और उसमें एक स्पेशल टाइप की इंजरी हो सकती है जिसको बोलते हैं एसी ज्वाइंट डिसलोकेशन। तो एसी ज्वाइंट डिसलोकेशन मतलब जो कॉलर बोन होता है उसके उसका एक ज्वाइंट होता है जो डिसलोकेट हो जाता है, जिससे कॉलर बोन ऊपर की तरफ आ जाता है और क्योंकि वो ऊपर की तरफ आता है वो स्किन में चुभता है और उसकी वजह से पेन होती है और आपका फंक्शन लॉस हो जाता है। तो जैसे उनको इंजरी हुई उन्होंने इमिजिएटली उसको ट्रीट करने का सोचा और इमिजिएटली एक रेप्यूटेड साउथ बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनकी पहली सर्जरी हुई जिसमें जो प्राइमरी सर्जन थे उन्होंने एसी जॉइंट को रिड्यूस करके फिक्स कर दिया। सर्जरी के तुरंत बाद ही एक हफ्ते में इनको लगने लगा जैसे कि वो फिर से रिमजाइज। उन्होंने चीज को लिया, जब मैंने उनको समझाया भी ऑफकोर्स उनको मतलब मेरी बात सुन के ठीक लगा क्योंकि उनको पता था कि ये चीज से निकलना जरूरी है, जल्दी से जल्दी निकलना जरूरी है और जो सोल्यूशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो सही है। एट द सेम टाइम मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि नाउ ही इज ऑलमोस्ट लाइक 4 मंथ्स फ्रॉम द सर्जरी, तो 4 महीने हो चुके हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी और कोई भी स्पोर्ट्स सर्जरी में रिटर्न टू स्पोर्ट्स जो होता है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स आदमी खेले या फिर रिटर्न होना चाहे, यूजली इट्स अबाउट 5 to 6 मंथ्स। सो ऑफकोर्स वी आर गिविंग हिम टाइम फॉर स्ट्रेंथनिंग राइट नाउ और स्ट्रेंथनिंग के बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड रिटर्न बहुत जरूरी होता है, उसके लिए भी मैं इनको हॉर्स राइडिंग के लिए इनको अलग से ये कस्टमाइज तरीके से रिटर्न करूंगा। तो आई थिंक होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस हम वो भी अचीव कर पाएंगे। सर सर्जरी करते हो सर आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता? हाँ, तो क्योंकि ये सेकंड सर्जरी थी तो चैलेंज था कि बहुत सारा स्कार टिश्यू था, बहुत सारा फाइब्रोसिस था, वहां पे काफी इन्फ्लेमेशन थी, कॉलर बोन काफी ऊपर थी और अपनी जगह से काफी डिस्प्लेस थी। तो पहले का इम्प्लांट था अंदर जो मैं पार्शली निकाल पाया, पार्शली मैंने निकाला नहीं, एक छोटा सा बटन क्योंकि वहां पे डिग करके मेरे को जो वेसल्स वाइटल वेसल्स के अराउंड मेरे को और कोई इंजरी नहीं करनी थी तो हमने एक छोटा सा इम्प्लांट अंदर छोड़ दिया, बाकी सारा निकाल दिया और स्कार टिश्यू इतना ज्यादा था और फिर ऑब्वियसली जो फ्रोजन शोल्डर पार्ट था वो एक काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को, क्योंकि शोल्डर में ये होता है कि अगर रिजल्ट अच्छा ना हो या पेशेंट को पेन हो
तो वो शोल्डर मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो वो भी हमने उसी टाइम ट्रीट करना था। बट एट द सेम टाइम हमको ये डर था कि फिर से फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, क्योंकि हम उसको इमोबिलाइज रखेंगे ताकि लिगामेंट हील हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी था, और आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस हम कर पाए। हम कुछ कुछ चीजें प्लान करते हैं बट काफी बार नहीं होता है, तो आई थिंक गॉड विलिंग वी वर एबल टू डू इट। सो थैंक्स टू द ऑलमाइटी एंड थैंक्स टू द पेशेंट एंड ऑफ कोर्स यू नो थैंक्स टू डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।